सकड़ी गली में से जाओ। गुजराती लोग बहुत आते हैं भाई, सभी जगह, उसमें भी स्पेशली राजकोट साइड से। माना में देखने लायक है व्यास गुफा, गणेश गुफा, जहाँ महाभारत लिखी थी बैठकर, फिर यह सरस्वती उद्गम स्थान, भीमपुल और इंडियास लास्ट टी स्टॉल। यहाँ पीछे से दो रास्ते फटे, ये गणेश गुफा की तरफ और व्यास गुफा की तरफ जाता है रास्ता। ये है गणेश गुफा। और जमीन इसी जैसे का निकला चाहिए। चालू से आगे बैठा है, आगे बैठा है कैसे व्यास गुफा यहीं से। अब बढ़ रहे व्यास गुफा की तरफ। वो जो ऊपर रोड जा रही है वो चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही है। मौसम साफ हो गया है फिर से। Thank you.
क्योंकि प्रबल जाएगी तो इधर बाहर की आती जाएगी। और फर्स्ट एड दस तो नहीं होगा। बॉर्डर चाइना का और दीवार बॉर्डर नहीं है, वो तो रोड है, चाइना बॉर्डर तक जाती है, 7 किलोमीटर दूर है। 60 है, वीडियो कॉल करो। भारत की आखिरी चाय की दुकान, फोटो कैसे अब चल रहे हैं भीम पुल की तरफ, 300 मीटर। बाबू जी भीम पुल यहाँ से आए, यहाँ से तमारी इच्छा खरी जवानी नहीं वार मैं उनसे पूछा आपके जाने की इच्छा है क्या स्वर्ग में, मना कर दिया। व्यास गुफा 100-150 मीटर ही है, 100-150 मीटर। हाँ 100-150 मीटर ऊपर है। तो उतर जा भैया, हम तो लौट आए वापस छत गए। चलो जी भीम पुल की तरफ, बस अब पहुंच गए भीम पुल की। ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है वसुधारा, 6 किलोमीटर करीब पैदल ही जाना है। बीच में खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, पहले तो नहीं मिलता था, अभी पता नहीं। निकाल के दे। यहाँ से निकलती है सरस्वती जी, सरस्वती का ओरिजिन है ये। अरे यहाँ नहीं जाएगा।
ये हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। सरस्वती माता का मंदिर। ये अभी जहाँ खड़े है ये भीम पुल है, भीमशिला। ये रास्ता जाता है आगे वसुधारा। जय बद्री विशाल।